हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिटरमिनेंट्स के ऊपर, कुछ एमसीक्यूज या फिर आप फिलअप समझ सकते हो। तो आपको एग्ज़ाम में इस तरह से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बट उनके आपको ऑप्शन भी दिए होंगे, गिवन ऑप्शन होंगे आपको। मैंने ऑप्शन ही रखे हैं, तो मैं ऐसे लिख के आपको बताऊँगा कि ऑप्शन क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो भी चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारी पुरानी वीडियो देखने के लिए हमारी जेके प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट में जाएं। तो जिन्होंने डिटरमिनेंट्स के रूल वीडियो नहीं देखी है, तो उस वीडियो को देख लें। जेके प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट आज लेक्चर। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। डैश हाउस इज़ नॉट माइन। कल भी मैंने इसके बारे में बताया था कि हाउस के बारे में, ठीक है ना। देखिए, जब भी आपका आप बोलोगे हाउस, ये हाउस मेरा नहीं है, आप उस घर पे पास जाके बोलोगे या दूर से ही बोलोगे कि वो हाउस मेरा नहीं है। पास जाके थोड़ी बोलोगे कि कुछ छोटा सा थोड़ी है कि पहचानोगे कि ये मेरे घर, हाँ ये मेरा नहीं है। दूर से ही तो पहचान सकते हो ना कि अरे वो तो मेरा घर है ही नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं? ऑप्शन यहाँ पे आपका दिस हो सकता है, दैट हो सकता है, एंड 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 और क्या हो सकता है, दिस हो सकता है, और नन ऑफ द दिस। तो अब क्या ऑप्शन यूज करोगे यहाँ पे? तो जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आपका दैट है, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दैट है हाउस इज नॉट माइन। यहाँ तक क्लियर है सबको? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव डैश मोर फाइल्स टू कंप्लीट। आई हैव डैश मोर फाइल्स टू कंप्लीट। इसका क्या मतलब हो सकता है कि मेरे पास कुछ कुछ फाइल्स हैं जो कंप्लीट करने के लिए हैं। तो यहाँ पे क्या लगाओ, क्या आप फ्यू आएगा आपका? नो। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका है सम। यहाँ पे आएगा आई हैव सम मोर फाइल, मेरे पास कुछ और भी फाइल्स हैं जो मैंने अभी कंप्लीट करनी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। शी डज नॉट लाइक हिम। शी डज नॉट लाइक हिम क्या आएगा? ही डज नॉट लाइक हिम डैश। तो इसका आएगा शी डज नॉट लाइक हिम मच, वो उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, ठीक है। निधि आंसर डैश द क्वेश्चन रॉन्ग। निधि ने जितने भी क्वेश्चन बताए वो सब रॉन्ग थे, क्वेश्चन है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आर आएगा आपका, दिस थोड़ी आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश द गर्ल्स हैड टू कैरी देयर ओन लगेज, ठीक है। लगेज का आपको सबको पता ही होता है ना, लगेज क्या होता है? लगेज हो गया जो हमारा सामान होता है, ठीक है, सामान बोलते हैं इसको। डैश द गर्ल्स हैड टू कैरी देयर ओन लगेज। गर्ल्स की बात कर रहे हो, ठीक है, तो ऑल द गर्ल्स होगा फिर, इसमें भी आपका ऑल आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। आई शैल नॉट वे डैश ऑरेंज, दिस आर रोटन। मैं ये ऑरेंज वे नहीं करूँगा क्योंकि दे आर रोटन, दिस आर रोटन, ये सब सड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, दिस ही आएगा ना, क्योंकि आपका प्लूरल है ऑरेंज। क्लियर? आई हैव बोट डैश साइकिल। मैंने साइकिल खरीदी, कितनी? एक। ये आएगा आपका आर्टिकल। आई ड्राइव्स 10 किलोमीटर्स डे टू रीच माई स्कूल, तो डेली जाता होगा, इसका क्या आएगा आपका? इसका अब जाएगा आई ड्राइव 10 किलोमीटर्स एवरी डे टू रीच माई स्कूल। एवरी डे, हर एक दिन मुझे 10 किलोमीटर ड्राइव करनी पड़ती है स्कूल में जाने की, ठीक है। वी आर एक्सपेक्टेड डैश गेस्ट टू नाइट, लगाइए इसका क्या होगा। वी आर एक्सपेक्टिंग डैश गेस्ट टू नाइट, इसका जो ऑप्शन आपका आएगा वो होगा आपका बहुत सारे गेस्ट, सेवरल, मैनी, मैनी भी बोल सकते हो, ठीक है, मैनी गेस्ट। डैश ऑफ माई आंसर वार करप्ट सो आई पास्ट, ठीक है। इसका क्या आएगा आपका? बोल रहा है कि डैश ऑफ माई आंसर वर करेक्ट सो आई पास्ट, मतलब कि उसके कुछ आंसर हैं जो ठीक हो गए हैं, मतलब कि ज़्यादा हुए होंगे ना, तो मोस्ट मोस्ट जित मतलब कि काफ़ी मेरे जो आंसर्स हैं वो ठीक हुए हैं, तो मैं पास हो सकता हूँ, ठीक है।
मोस्ट आएगा। हेलो दिस इज निपुण, ये आपको पता ही है, ठीक है। ही स्पेंड्स मोर टाइम ऑन वीडियो गेम्स, ठीक है। इसका क्या है कि आपका देखिए, आपने अगर रूल पढ़े हैं ना तो आपको ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। व्हाट इज़ योर सिस्टर डूइंग दीज डेज, इन दिनों तुम्हारी सिस्टर क्या कर रही है दीज डेज, क्लियर, ठीक है। आई कैन स्पीक लिटल हिंदी, मैं थोड़ी हिंदी बोल सकती हूँ, लिटल, ठीक है। लिटल क्यों? क्योंकि ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, फ्यू नहीं बोल सकते, ठीक है। ही हैड बिल्ट यूनिक हाउस, एक हाउस उसने बनाया, तो आपका आर्टिकल लगेगा यहाँ पे। आई होप गाइस डिटर्मिनेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, तो आप खुद से भी इस पे प्रैक्टिस करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।